आप देख रहे हैं रादौर टाइम्स भारत, अपना देश अपना चैनल। राष्ट्रीय महासम्मेलन के साथ एंजल पैराडाइज इंटरनेशनल प्री स्कूल रादौर का भव्य शुभारंभ किया गया। स्कूल का शुभारंभ शैक्षणिक वैदिक यज्ञ से किया गया, जिसमें स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने यज्ञ ब्रह्मा के रूप में सामूहिक यज्ञ करवाया। इस अवसर पर स्कूल के संस्थापक पृथ्वी सिंह व विद्या देवी काम्बोज मुख्य यजमान रहे। राष्ट्रीय महासम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट यजवेंद्र सिंह व डायरेक्टर सुमन काम्बोज ने स्कूल रिपोर्ट सभी के समक्ष साझा की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में चीफ सेक्रेटरी एवं मुख्य संयोजक डॉक्टर सौरभ आर्य ने महासम्मेलन के स्वर्णिम मंच का संचालन व संयोजन संपूर्ण हिंदी भाषा व हरियाणवी अंदाज में बखूबी रूप से किया। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त एंजल पैराडाइज इंटरनेशनल प्री स्कूल रादौर जिला यमुनानगर हरियाणा की आज लॉन्चिंग ग्रैंड ओपनिंग नेशनल सेरेमनीज के साथ की गई। आज पूरी भव्यता के साथ राष्ट्रीय महासम्मेलन के साथ जो है एंजल पैराडाइज इंटरनेशनल प्री स्कूल रादौर का भव्य शुभारंभ विभिन्न चरणों में किया गया है। देश की महान विभूतियाँ इस राष्ट्रीय महासम्मेलन में पहुँची। बच्चों ने बहुत सुंदर ढंग से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भारत के 8 प्रदेशों की मिलिट्री सम्मानित विभूतियों के साथ मुझे भी यहाँ पर भारतीय बाल उत्थान राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। मैं आप सबका आभार करता हूँ। यह संस्था बहुत उन्नति करे, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहकर उनके विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करे, मेरी तमाम शुभकामनाएं। बच्चे को एजुकेशन के साथ साथ वैदिक संस्कृति का भी ज्ञान दिया जाएगा। और मैं दोबारा से जो जिन्होंने भी हमारे मंगल कामनाएं की और जो इसमें पधारे हैं दूर दूर से, दतिया मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, मैं सभी का सहित धन्यवाद करता हूँ। इस मौके पर पहुंचे सभी लोगों का स्कूल प्रबंधन द्वारा पर्यावरण का संकल्प करवाते हुए स्कूल परिसर में तुलसी का पौधा भी रोपित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रादौर टाइम्स भारत।